12 सूत्री मांगों को लेकर नर्सेस एसोसिएशन ने राज्य सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए सोमवार को सामूहिक अवकाश रखा। एसोसिएशन की 4000 से ज्यादा नर्सें अपनी मांगों को लेकर 30 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगी। हालांकि नर्सों के सामूहिक अवकाश के कारण सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रही। अपनी मांगों को लेकर नर्सेस एसोसिएशन काफी वक्त से आंदोलन कर रहे हैं। गत दिनों एसोसिएशन ने 7 दिनों तक विरोध सप्ताह भी मनाया। इस दौरान नर्सेस ने 2 घंटे काम बंद करते हुए अलग अलग तरीके से राज्य सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने का भी प्रयास किया। बावजूद इसके राज्य सरकार ने एसोसिएशन को चर्चा के लिए आमंत्रित नहीं किया, जिस पर एसोसिएशन ने प्रदेश व्यापी हड़ताल करने का निर्णय लिया है। हड़ताल के पूर्व सोमवार को पूरे प्रदेश में नर्सेस ने सामूहिक अवकाश लेकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष अलका अल्फांस की माने तो हमने शासन से कोई अद्भुत चीज नहीं मांगी है। अन्य राज्यों में जो सुविधाएं हैं वही हमने मांगी है। विगत कई वर्षों से शासन प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत कराते आ रहे हैं और कोई हमने कोई ऐसी अद्भुत चीज़ नहीं मांग ली जो अन्य राज्यों में है। उच्च स्तरीय वेतनमान वो हमने मांगा है, पुरानी पेंशन वो हमने मांगी है, मेल नर्स की भर्ती वो हमने मांगी है। और कोरोना काल में माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं हमारे लिए की थी हेल्थ के लिए कि जो भी यदि किसी की डेथ होती है, कोई शहीद होता है कोरोना काल में ड्यूटी करते हुए, तो उसको उसके परिवार को 50 लाख रुपये देंगे और जो कोरोना में जो ड्यूटी कर रहे हैं उनको 10,000 रुपये महीना मानदेय राशि दी जाएगी, जो कि हमारे किसी को भी प्राप्त नहीं हुई है। और जो हमारी पुरानी मांगे चली आ रही थी उन्हीं मांगों पर हम हैं, जो अन्य राज्यों में जो है वही हम मांग रहे हैं। देखा जाए तो अगर नर्सेस एसोसिएशन की मांग पर राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आगामी 30 जून से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।